नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह रानी झांसी का आप जो स्वरूप देख रहे हैं, दरअसल आज विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर झांसी दुर्ग पर विशाल जनसमूह उमड़ा। इसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के अलावा विधायक रवि शर्मा भी यहां पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचने पर्यटकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि विश्व धरोहर दिवस पर जो रिकॉर्ड बनाया गया है वह बेहद सराहनीय। आप देख सकते हैं कि विभिन्न महिलाएं रानी झांसी के स्वरूप में यहां पहुंची हैं। दरअसल किले पर आज विश्व धरोहर दिवस के रूप में झांसी समेत कई जगह के लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं विधायक रवि शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और उनके विधायक सेवा रथ के द्वारा लोगों के लिए लस्सी वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि दिलीप पांडे ने विशेष सहयोग किया। इस अवसर पर विधायक रवि शर्मा ने बताया, झांसी के ऐतिहासिक रानी झांसी के दुर्ग पर पूरे झांसी ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया कि हम आज पर्यटकों का विश्व रिकॉर्ड झांसी में अपने दुर्ग के कितने लोग देखने आए इसका रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो आज पूरे झांसी का जन जन उत्साहित है, आप इन लोगों का उत्साह देख रहे हो। लोग विभिन्न प्रकार की झांकियां रानी के स्वरूप के साथ साथ सभी समाज सेवी संगठन कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है निश्चित रूप से। इस अभियान से जहां एक ओर मोदी जी ने झांसी आकर के झांसी के दुर्ग से लोगों को संबोधित करते हुए नए राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया था, वहीं दूसरी ओर झांसी में इस तरीके के विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर होने वाले उत्सव से झांसी के दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, आज झांसी के विश्व धरोहर जो हमारा झांसी का दुर्ग है उसका आज हम लोगों ने वो विश्व दिवस मनाया है और एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए यहाँ पूरी झांसी का आह्वान किया गया था आने के लिए। उसके उपलक्ष्य में विधायक रवि शर्मा की तरफ जी से, विधायक सेवा रथ की तरफ से यहाँ हम लोगों ने लस्सी वितरण का कार्यक्रम किया हुआ है और लस्सी वितरण चल रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यक्रम हम लोगों के चलते रहेंगे विधायक सेवा रथ द्वारा।